श्री हनुमान जी महाराज की, सब संतन की जय। जय श्री राम। श्रीमते रामानुजाय नमः। श्री जानकी कांत स्मरणम्। जय जय श्री रघु। प्रेमारविंद मरविंद मलिंद मूर्तिम कंदर्प दर्प दमनम कमनीय कांतिम श्री जानकी वदन चंद्र चकोर रूपम साकेतनाथमजितम सततन्नमामि। यो नित्यमच्युतपदाम्बुजयुग्मरुग्मं व्यामोहतस्तदितराणि तृणाय मेने अस्मद्गुरोर्भगवतो सदयैकसिन्धौ। श्रीरामानुजस्य चरणौ शरणं प्रपद्ये कान्तिस्सितामृषतिनिन्दितशारदेन्दुः यत्रैकतो विलसितामसिताङ्गशोभाम् वृंदावनेपि कृतया मुनगांगसंगम श्रीराधा मुकुंदयुगलम तदहं नमामि। श्रीराधा मुकुंदयुगलम तदहं नमामि। वांछाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो श्री वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अस्मत् गुरुभ्यो नमः। अस्मत् परम गुरुभ्यो नमः। अस्मत् सर्व गुरुभ्यो नमः। श्रीमते रामानुजाय नमः। श्री जानकी कांत स्मरणम्। श्री अयोध्यानाथ भगवान के अनुग्रह से जीवों को सत्संग का सौभाग्य प्राप्त होता। भगवान की कृपा की 84 भूमिकाएं हैं। श्री ठाकुर जी की सर्व सामान्य कृपा होती है तो मानव शरीर प्राप्त होता है। मानव के द्वारा अनजान में पुण्य बनते हैं और पाप भी बनते हैं, न चाहने पर भी बनते हैं। तो पापों का लेखा जोखा ये सब तो जमराज का काम है। ठाकुर जी जीव से अनजान में हो जाने वाले पुण्यों को एकत्रित करते, ये भगवान की दूसरी कृपा है। फिर एक पुण्य को अपने प्यार के नाते, क्योंकि जीव के भगवान अपने हैं, छोटा बच्चा पालना में पौड़ा पौड़ा स्वाभाविक कुछ गुंगा शब्द करता है, काका काका मामा ऐसे ऐसे बोलेगा, उसका कोई अर्थ नहीं होता, बाल बोल बिनु अर्थ के। पर माँ का वात्सल्य प्यार जो है वो उसमें गुण देखता है, बच्चा मामा कहने लग गया, अब काका को पहचानने लग गया। वो अभी नहीं पहचानता है ना, जानता है मामा क्या होता है काका क्या होता है, सहज बोलता है। पर प्यार जो है वो दोष में भी गुण देखता है। श्री राम प्रेम सिंधु हैं और प्रेम से ही प्राप्त होते हैं। राम ही केवल प्रेम प्यारा, तो कैसे प्रेम से राम जी प्रसन्न होते हैं? जैसा आप पुत्र में माता में पिता में पैसा में प्रेम करते हो ऐसा प्रेम, बोले ऐसा नहीं। रीझत राम स्नेह निसोते, जिस स्नेह में जिस प्रेम में सोता नहीं निकला हो, सोता बोले तो नहर, जिस नदी में से नहरें निकल जाएंगी वो नदी का वेग कम हो जाएगा। श्री राम की ओर बढ़ने वाला प्रेम जिसमें सोत्र कोई नहर न निकली हो, ऐसा प्रेम हो तो श्री ठाकुर जी एक बार प्रणाम करते ही प्रसन्न हो जाते। द्रवत सकृत सिर नायक, एकोपि कृष्णस्य कृतः प्रणामः,
एक बार प्रणाम करे तो ठाकुर जी प्रसन्न होते हैं। ये प्रणाम बोले तो क्या, प्रणाम माने दसों उंगलियों को जोड़ लेना प्रणाम कहलाता है। प्रणाम की अनेक अनेक व्याख्याएं हैं। हाथ जोड़ना, हाथ माने क्रिया शक्ति। ठाकुर जी को प्रणाम करने का अर्थ कि आज से जो कुछ करूंगा आपके लिए, और साथ साथ मस्तक झुकाया जाता है, मस्तिष्क शक्ति, जो विचारूंगा, जो करूंगा, जो विचारूंगा केवल आपके लिए, ऐसा जिसका दृढ़ संकल्प होता है उसका प्रणाम बनता है। हाथ जोड़ना तो क्रिया है। हाथ में दस उंगलियां होती हैं। आप श्री राम से प्रेम करते हैं, श्याम से प्रेम करते हैं, तो माया आपके प्रेम की नदी में से नहरें निकालकर संसार में फैला देती है। और वो कितनी नहरें निकालती है, अष्टधा प्रकृति, आठ दिशाएं हैं, दो उपदिशाएं हैं ऊपर नीचे की, ये दसों दिशाओं में आपकी ममता फैलाती है। इन दसों दिशाओं में ममता जो फैलाती है तो आपको समझ में नहीं आती। आपके समझने के लिए दस जगह आपकी ममता जाती है। आपकी ममता में से दस नहरें निकली हैं। कुछ प्रेम की धारा इधर जाती है, कुछ उधर जाती है, कुछ दस जगह जाती है। इन दसों को संकेत करने के लिए हाथ जोड़ने को कहा गया है। उंगलियां दस है ना, इन दसों उंगलियों को बटोर लेना प्रणाम है। दसों नहरों को खत्म करके सबको इकट्ठे एक धारा में ले आओ श्री राम जी की तरफ। वो दस प्रेम की धाराएं, प्रेम की नहरें दस जगह कहां कहां जाती हैं, किस किस खेत को सींचने जाती हैं। राम जी के चरणों को प्रक्षालन करने की जगह संसार के दस खेतों को सींचती है। इन दसों को बंद करो तो आपके प्रेम की धारा श्री राम की ओर तीव्रता से चलेगी, पर तब श्री राम रीझ जाएंगे। वो दस धाराएं कहां कहां जाती हैं, वो स्वामी जी महाराज एक चौपाई में लिखते हैं। आप अपनी उंगलियों को और उनके नामों को गिन लेवे, दस पूरा हो जावे। जननी मां में ममता आपकी जाती है। जननी, जनक, बंधु, सुत, दारा, तान, धान, भुवन, सुहृद और परिवारा, सबकी ममता ताग बटोरी, तब एकोपि कृष्णस्य कृतः प्रणामः। ऐसा प्रणाम एक बार हुआ पूरे प्यार को मिला करके, जो दसों दिशाओं में दस जगह ममता जाती है। जननी में, मां में ममत्व होता है, पिता में ममता होती है, बंधुओं में होती है, पुत्र में होती है, पत्नी में होती है, तन में होती है, धन में होती है, मित्रों में होती है, और परिवार में होती है, और घर में होती है। ये दस जगह ममता जाती है। ये दसों जगह की ममताओं को बटोर लो तो आपके प्रेम की धारा इतनी तीव्र होगी कि दसों उंगलियां जुड़ी, बस एक बार प्रणाम करते ही ठाकुर जी प्रसन्न होंगे। लोहा की बहुत मोटी छड़ी लोहार के पास ले जाओ, बोले इसका दो टुकड़ा करो। छड़ी का दो टुकड़ा एक कई चोट से होता है, वो चोट अंतिम होती है, और उस चोट को अंतिम बनाने के लिए पहले की सैकड़ों चोटें आवश्यक होती हैं। खट 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 पता नहीं कितना मारता, अंत में एक लगा खट दो हो जाता है। तो वो अंतिम प्रणाम जो दसों ममताओं को बटोरने वाला है वो ऐसा प्रणाम है। पर ये दसों दिशाओं की ममता छूटना बहुत मुश्किल है। आपकी हमारी तो गिनती ही क्या, जितना ज्ञान वैराग्य बखानने वाले हम लोग हैं ये तो महात्माओं की सुनी सुनाई बातें हैं। और महात्माओं में शिरोमणि साक्षात श्री वेद व्यास जी ने संपूर्ण पुराणों का वर्णन किया है, ज्ञान वैराग्य का वर्णन किया है, साक्षात नारायण के अवतार हैं, व्यासो नारायण स्वयं। और उन वेद व्यास जी की भी अपने पुत्र में ममता कम नहीं भई, उनसे ज्यादा वैराग्यवान उनका बेटा शुकदेव पैदा होते ही चल दिया बहादुर।
पर व्यास जी पीछे पीछे दौड़े, पुत्रे ति तन्मयतया। अरे बेटा कहां जा रहे हो, कहां जा? अरे महाराज आप दुनिया को ज्ञान वैराग्य बताते हैं, आप काहे को परेशान हो रहे हैं? बोले भैया वो तो मंच की बात है, चौकी की बात है, कहना दूसरी बात है, हृदय में। इसीलिए व्यास जी ने लिखा है मुनि नाम अपि दुस्त्यजः, बड़े बड़े महापुरुषों को भी परिवार की ममता छूटना मुश्किल है। ऊपर से आप अपने को वैराग्यवान बताओ, बाकी भीतर भीतर ममता कुल में, कुटुंब में, परिवार में, और कुछ नहीं होगा, ब्याह नहीं किया, बुढ़ापे में ममता आई तो अपने नाती को महंती दे दो, ऐसे मन में कामना होती है। शुद्ध वैराग्य तो संत महापुरुषों की कृपा से, शुद्ध संत कृपा करें तो शुद्ध वैराग्य होवे, सामान्य संत कृपा करें तो सामान्य वैराग्य होवे, विशुद्ध संत कृपा करें तो श्री राम में प्रेम प्रकट होवे। बाकी विशुद्ध संत तो श्री राम ही कृपा करके देखें, संत विशुद्ध मिलहि परितेई चितवहि राम कृपा करिजे, श्री ठाकुर जी महाराज की कृपा हो। और ठाकुर जी की कृपा होती है संतों की सेवा से। भगवान की पूजा आप 60,000 वर्ष तक करो, जितना पुण्य होगा उतना एक दिन किसी एक भगवत भक्त की सेवा करने से होता है। विष्णु पुराण में श्री पराशर मुनि अनुग्रह करते हैं, षष्टि वर्ष सहस्त्राणि विष्णोः आराधनम फलम सकृत वैष्णव सेवायाम लभते नात्र संशय। संतों की सेवा अति प्रबल है। संत सेवा में कल की कथा में छूट गई, एक सज्जन ने बाद में बताया, भूल गए आप? क्या भूल गए? जसोदा मैया की कथा कहते कहते, हाँ भूल गए भाई, आज याद आए गए, उन्हीं का दर्शन करने से याद आई है, भुला गए थे, अभी दर्शन भया तो याद आ गए। द्रोण नाम के वसु धरा नाम की देवी, धरा देवी ने संतों की सेवा करने के लिए बनिए की यहां से आटा दाल सीधा सामान लाया, और बनिया ने छाती को दिखाकर कहा इसी मूल्य पर ले जाओ, जितना पैसों की क्या जरूरत है। संत सेवा भाई, सेठ जी बाहर से आए, संतों को जो लाए थे बाहर से कमाए करके, भेंट विदाई में बड़े स्नेह पूर्वक विदा किया है। फिर पत्नी से पूछा, देवी ये सब कैसे भया? सब बता दिया। अरे अतिथि धर्म का निर्वाह हो गया, पातिव्रत धर्म का निर्वाह कैसे होगा? कहा पातिव्रत धर्म भारत की माताओं को माँ के दूध से पीने को मिल जाता है, समझ में आ जाता है। यदि पाश्चात्य सभ्यता और शिक्षा के चक्कर में न पड़े तो भारत की कन्याएं जन्मजात पतिव्रता होती है। विकृति इनमें कुसंग से आती है, विकृति दूषित शिक्षा से आती है, और दूषित शिक्षा के कारण उसका अपना नारित्व विडंबना बन के रह जाता है। तो कैसे निभाओगी? बोले चलो हमारे साथ, अपने स्वामी को, अपने पति को साथ में लेकर सेठ जी के पास गए। सेठ जी के घर में जब गई तो सेठ जी ने पूछा, देवी आप ये कौन है? बोले ये मेरे पति हैं। क्यों आए हैं? बोले मूल्य चुकाने हैं। मूल्य? हाँ, हमने पैसे के मूल्य पर नहीं दिया था। हंसकर उस देवी ने कहा, जिस मूल्य पर दिया वही देना है। कमर में से छुरा निकाला और अपनी दोनों छातियों को खट खट काट कर अपने पति के हाथ में दे दिया। बोले दे दो इस बनिया को मूल्य, यही चाहिए इसको चमड़ा। उस बनिया की तो आंखें फट गई और छाती फट गई, प्राणवायु रुक गई, सांस चलना बंद हो गई, आज की भाषा में हार्ट फेल हो गया और मर गया। तो घटना देख करके बनिया यूं ही डरपोक आदमी, लड़े झगड़ा कर करे भैया थोड़ा सहन कर लो, और सामने खून हो गया अपने आप। अभी देख करके वो तो मर गया और ये देवी भी गिर पड़ी, छाती कट गई, खून की धारा वह चली नीचे गिर पड़ी। उसके स्वामी वो दोनों छातियों को हाथ में लिए खड़े देख रहे हैं, पत्थर की प्रतिमा से हो गए। उनको कुछ समझे भी नहीं आया कि पहले इसने कुछ बताया नहीं था कि क्या करना है, चलो कहा और यहां आते ये क्या हो गया।
अभी वो सोच ही रहे थे तब तक करोड़ों करोड़ों सूर्य का सा प्रकाश फैला, कोटि कोटि चंद्र ज्योत्सना सी चमकी और उसके साथ में नील कमल की, पराग की और तुलसी की, मंजरी की मिली जुली सुगंध की लहरी आई और प्रणवाकार ज्योति जगमग जगमग ओंकार प्रकट हुआ और उसके मध्य में शंख चक्र गदा पद्म धारण किए हुए बोले वैकुंठनाथ भगवान की। साक्षात भगवान प्रकट हुए और उसके स्वामी के हाथ से दोनों छाती लेकर छाती पर रख दिया। भगवान के स्पर्श से स्वस्थ हो गई, आंख खुली है तो भगवान ने कहा मां मेरे संतों के लिए तुमने अपनी छाती काट दी, मैं करूं क्या। कश्यप अदिति को वरदान दिया है 3 जन्म तक उनका पुत्र बनने के लिए, अब कश्यप अदिति का ये 3रा जन्म वसुदेव देवकी के रूप में हुआ है, मैं उनके यहां जन्म ग्रहण करूंगा पर दूध तुम्हारी छाती का पीने के लिए आऊंगा, तुम्हारी गोद में खेलूंगा, मेरे संतों के लिए तुमने ऐसा किया है और अब मैं तुम्हारे हाथ बिका हूं, तू बांधेगी तो बंध जाऊंगा, तू पीटेगी तब भी तेरी गोदी में आकर गिरूंगा, पिट पिटाए के श्याम गोद मैया की यार। मैया ने बांध दिया, यमलार्जुन गिर पड़े, बाबा ने कहा मैया तुम्हारी खराब है, इसकी गोदी में जाना नहीं, गोदी में ले लिया लाल जी को। मां यशोदा देख रही है, नेत्र डबडबा, हाय मेरे हाथ टूट नहीं गए, मैंने अपने कन्हैया को बांधा था, जरा से माखन के पीछे। मां व्याकुल है, ठाकुर जी कहते हैं बाबा, बोले हाँ मैया खराब है, हाँ मैया तो को बांध दियो, मैया खराब है, हाँ खराब है बाबा, मैं मैया के पास नहीं जाऊं, नहीं तू मेरे बेटा है मेरे पास रही हो, बाबा मुकू भूख लगेगी तो बोबो तू दे। अब तो बाबा हंस पड़े, अरे बहुत शैतान है। इतने में लाल जी ने जसोदा मैया की तरफ हाथ बढ़ाया, मां ने ललक कर ले लिया है, कैसा भी है श्याम मेरा, इतना सौभाग्य इस यशोदा जी देवी का कैसे भया है। बोले इन्होंने संतों के लिए अपनी छाती काटी है, अन्न जल देवे को ही खीजत जगत नर, साधु को अन्न जल वस्त्र देने भी मन में बेजारी आती है और ऐसा आदमी चाहता है कि भगवान हमारी गोदी में आ जाए, पागल समझाए ठाकुर जी को। परमात्मा तो अपने संतों से प्रेम करने वाले को खोजता है और बाकी संसार के सब प्राणी और सब देवता और ब्रह्मा और शंकर जी भी भगवान को खोजते हैं और भगवान खोजते हैं जो संतों की सेवा करता है उसको। शेवरी मैया राम जी को खोजने नहीं गई है, शेवरी को खोजते खोजते राम जी आए, बड़े बड़े सिद्ध महापुरुष हैं वहां नहीं गए हैं, ऐसा क्यों हुआ। बोले शेवरी संतों की सेवा करते, गज और ग्राह की लड़ाई भई, ग्राह की गर्दन काट दिया ठाकुर जी ने और गज का उद्धार करके वरदान देकर सुखी करके जब वैकुंठ पधारे हैं तो लक्ष्मी जी के पास में एक नया पार्षद पंखा कर रहा था। ठाकुर जी ने पूछा तू कौन रे, वैकुंठ में नया कब से आ गया। बोले महाराज अभी अभी आया हूं। कौन है। बोले ग्राह हूं जिसकी आपने गर्दन काटी। अरे तू मेरे भक्त को सताने वाला दुष्ट, तुम्हारा मोक्ष कैसे हो गया, तुम वैकुंठ में पहले कैसे आ गए। मेरा भक्त गजेंद्र भी वहीं है, तू पहले आ गया। बोले महाराज गजेंद्र ने आपके चरणों का ध्यान किया था और मैंने आपके भक्त के चरणों को पकड़ा था, इसलिए पहला मोक्ष मेरा है, दादे आपके है। आज शरद की पूर्णिमा है, आज भगवान श्याम सुंदर के रास का दिन है, आज जहां भी भक्त लोग कथाएं कह रहे हैं प्रायः अधिक रास की ही चर्चा होती है। रास बोले तो नाचगान नहीं, रास का अर्थ होता है मन बुद्धि चित्त अहंकार और शरीर से रहित विशुद्ध चेतन रस स्वरूप है, रसो वही सह, और रस का बिंदु ये है और रस सिंधु भगवान है। रस बोले तो आनंद, आनंद सिंधु भगवान है और आनंद का बिंदु जीवात्मा है, बिंदु सदा सिंधु को खोजता रहता क्योंकि बिंदु के नष्ट होने की संभावना है,
बूंद अलग रहेगी तो सूख जाएगी, नष्ट हो जाएगी। बूंद समुद्र में चली जावे, जितनी भी जल की बूंदे हैं ये सब समुद्र में ही जाती हैं, सीधी नहीं जाती। गंगा जी का आश्रय ले तो सीधी चली जाती, और जो बूंदे अलग अलग बरसती हैं वो पानी में सूखती हैं, फिर भाप बनती हैं, फिर बादल बनती हैं, फिर बरसती हैं, जहां जहां इनका प्रारब्ध है बरसती हैं, आती हैं जाती हैं, होते जाते होते जाते गंगा जी की प्राप्ति हो जाती है। तो गंगा के समुद्र सीधे राम समुद्र स्वरूप सिंधु समहानी। तो विशुद्ध चेतन का, शरीरों से रहित विशुद्ध चेतन का, शुद्ध ब्रह्म के मिलन की क्रीड़ा का नाम रासलीला है। पर अपन लोगों के पास प्रकृति के भीतर रहने के कारण प्राकृत शब्दों के अतिरिक्त कोई शब्द भी नहीं है, इन्हीं शब्दों में कहने के लिए बाध्य हैं। तो गोपी और आधी रात को जाना और नाचना यही सब शब्दों में कहा जाता है, क्योंकि दूसरा कोई दिव्य शब्द अपने पास है नहीं। दिव्यानंद को वर्णन करने के लिए वो शब्दातीत है, शब्द से नहीं वर्णन किया जाता। तो वर्णन अब शब्दों से किए बिना दूसरा कोई जानेगा कैसे? छोटा बच्चा पूछे बाबा चांद कहाँ है, तो कोई शब्द आपके पास नहीं है कि चांद को बता सको। तो बच्चे को बताया जाता है वो खिड़की के पीछे चांद देखो दिख रहा है, वो इमली के वृक्ष के ऊपर चांद दिख रहा है। ये शब्द पूर्ण सत्य नहीं है, फिर भी उस बच्चे को उधर दिखा देते हैं, अब बच्चा चांद को अनुभव कर सकता है। ऐसे ही संतों के ये रासलीला वर्णन करने के शब्द जो शास्त्रों में कहे गए हैं, जो संतों ने वर्णन किया है, जो रासलीला में परिकर लोग गाय करके दर्शाते हैं, ये सब संकेत करते हैं उधर। ठीक ठीक रास का आनंद तो रास में प्रवेश करने के बाद ही होता है, और रास में प्रवेश देह का भान जब तक है तब तक प्राणी का होता नहीं। इतनी लंबी चौड़ी रास लीला वही है, बाकी परमात्मा श्री कृष्णचंद्र जी ने किसी शरीर के साथ रास लीला नहीं की है। रास लीला में जो गोपियां हैं वो अपने आत्म स्वरूप से हैं, शरीर उनके उनके घरों में पड़े हुए। श्रीमद् भागवत में रास लीला का वर्णन करने के बाद श्री सुखदेव जी कहते हैं गोपियों का शरीर नहीं आया है, गोपियों के शरीर को तो उनके पतियों ने देखा समझा जाना है कि तो घर ही में है, कोई बात ही नहीं भाई, चर्चा ही नहीं भाई। नहीं तो रात को गोपियां जावें, सवेरे कुछ तो गांव में चर्चा होनी चाहिए कि क्या भया, कहां गई थी, क्या हुआ, क्यों? बोले मन्यमाना स्वपार्श्वस्थान स्वान स्वान दारान व्रजौ कसह। व्रज के गोप ग्वालों ने अपनी अपनी पत्नियों को, घरवारियों को, कन्याओं को, सबको अपने घर ही में देखा, सब सो रही, शरीर सबका यही है। आत्म स्वरूप से पंचोपनिषद सच्चिदानंद में देह धारण करके गोपी माने इंद्रियों के द्वारा जो केवल प्रीतम का जीवन में चिंतन करती रही, ऐसी गोपियों का नाम गोपी है, और वही परमात्मा के रास में प्रवेश की। फिर तो रासलीला का वर्णन अब ब्रजवासियों को हम क्या सुनाएंगे, ये तो सब रासलीला के परिकर है, ये हैं ब्रजवासी। तो ये वृंदावन धाम तो भगवान का रास कुंज ही है, जो इसमें प्रवेश किया वो रास कुंज में प्रवेश का अधिकार प्राप्त कर लिया। पर यदि वासना की गंदी गोली साथ में है तो कमल में बैठा देने पर भी गोबर के भंवरा को कमल की पराग की सुगंध नहीं आती है। गोबर का झाड़ा फिरते हैं ना मैदानों में, गंदा भंवरा होता है जो झाड़ा की गोलियां बनाया करता है, उल्टे पांव से ले लेके चलता है, ऐसे भंवरे को देखकर एक कमल के भंवरे ने देखा ये हमारे जात का इतना गंदा कैसे हो गया, हम कैसे चमकते हैं, चम चम काले काले हैं पर एकदम चमक होती है उसमें, कैसे हो गया, अरे तू यहां क्या करता है? बोले भोजन बटोरा, दत्त भंवरा होकर के गंदा खाता है। राम 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 राम। तब अरे कमल की मधु, कमल का पराग, पुष्पों का अति सुंदर पराग होता है, मीठा होता है। बोले बहुत मीठा होता है। अच्छा हम तो नहीं देखे, चलो मैं ले चलता हूं।
उसको पकड़ के उड़ा कर ले गया, एक कमल में धर दिया, बोले खूब पियो मस्त मजे से। संजाग लौट करके आया, कहो मधुरता कुछ मालूम भाई? बोले हमको तो सुगंध भी नहीं आई, मधुरता क्या आवेगी, मुझे तो कोई जगह नहीं मिल रही थी, परेशान हो रहा था। अरे तुम्हें कमल की सुगंध नहीं आई? बोले कि हाँ। भौरे ने सोचा ऐसी कैसी, सुगंध तो सबको आनी चाहिए, जो सुगंध है तो सबको आवेगी। बुद्धिमान था, कहा तुम अपने साथ में कुछ लाए तो नहीं हो? बोले मैंने सोचा कि दूर देश की यात्रा करनी है, एकाध गोली पांव में दबा कर ले चलो, कहीं खाने को नहीं मिले तो झाड़ा की एक गोली साथ में लाया हूं। बोले जब झाड़ा की गोली साथ में रहेगी तो कमल की सुगंध आएगी। वैसे ही श्री वृंदावन में आकर संसार की वासना यदि आपके दिमाग में घुसी है, स्वार्थ घुसा हुआ है, लोभ लालच घुसा हुआ है, तो रास में प्रवेश कैसे हो सकता है? हो वे गोपी भाव रास के दर्शन पावे, विरक्तों में शिरोमणि भगवान के हृदय भूत, साक्षात शंकर भगवान भी मैं पुरुष हूं ऐसा भाव रखते हैं तो रास में अधिकार नहीं होता है। पार्वती जी रास लीला की ध्वनि सुनकर चली। महादेव जी ने कहा देवी ये श्रृंगार करके कहां की तैयारी? बोले ठाकुर जी की रास लीला होने वाली है, उसी में जा रही, हमें भी चलूंगा। बोले आप पुरुष हैं, आपका रास में आप प्रवेश नहीं है, अधिकार नहीं है। अधिकार नहीं है? बोले हाँ। अरे तो अधिकार कैसे है? बोले स्त्रियों को अधिकार है। स्त्रियों को? स्त्री बोले तो क्या? बोले सहन शक्ति की सीमा, इसका नाम स्त्री। जितना माताएं सहन करती हैं पुरुष नहीं सहन कर पाते, जितना माताएं क्षमा करती हैं बालकों के अपराधों को उतना बाप नहीं क्षमा। माताओं में एक विशेषता होती है कि गर्भ में बालक को धारण करती हैं, पालती पोसती हैं, बाकी ये नहीं चाहते कि लोग इसको मेरा बेटा कहें, उसको बचपन में ही सिखाती हैं। कोई पूछे तुम्हारा बेटा तो अपने पिताजी का नाम बताना, वो दूसरों को यश देने वाली हैं, इसीलिए यशोदा है। गोदी में ठाकुर जी, किसी पुरुष की गोदी में ठाकुर जी अचानक नहीं आते हैं, पहले किसी मां की ही गोदी में आते हैं। जितने संत महात्मा हैं ये भी आकाश से नहीं टपकते हैं, किसी मां की ही गोदी में आते हैं। मां का मातृत्व अति दिव्य है। श्री सहन शक्ति एक तपस्या है, इसीलिए पार्वती जी ने कहा पुरुष के को रास में प्रवेश करने का अधिकार नहीं है। महादेव जी बोले हमको स्त्री बना लो। महाराज बना कैसे लेंगे? किसी को स्त्री पुरुष बनाना है भगवान के हाथ की बात, हम कैसे बनाए? बोले बनाए लो कन्हैया तो रोज दुनिया भर की गोपी बनता है, कभी मालिन कभी ललिहारन कभी क्या बन जाता है, हमको बना लो बना ले। बोले कि हाँ। श्री पार्वती जी ने सखियों को संकेत किया, भोले बाबा से कहा बैठो। भोले बाबा विराजे हैं। अब श्री पार्वती जी ने सुंदर तिल का तेल लवंग पीस करके मिलाया है और जटा को स्पर्श करके सब केसों को खोल दिया। कितना भी केस चिपक जाए लौंग का तेल, ये लौंग पीस करके तेल में मिला के लगाओ तो केस जो जम गए खुल जाते हैं, जटा अलग हो जाती है। बस वो जटा उनकी खोल दी है। फिर तो सुंदर दिव्य रीठा के जल से स्नान कराया है, उसके बाद में पुष्प सार लगाए करके और तब पार्वती जी ने उनको सामने बैठाकर भोले बाबा की पाटी मांग निकाली है, फिर वेणी गुही है, फिर जूड़ा बनाया है, जूड़ा में मालती का पुष्प लगाया है, पीछे चूड़ामणि लगाई है, वेणी में शीश फूल लगाया है, मांग टीका लगाया है, तारावली पत्रावली बनाई है, तिलक की रचना अति सुंदर की है, नेत्रों में काजर लगाया है, नासिका में नथ धारण कराया है, कानों में कुंडल, कमर में घाघरा, लहंगा, फरिया, ओढ़नी, चोली, कंचुकी और सिर पर चुनरी और चंद्रिका और घूंघट बहुत लंबा खींच लिया। ब्रज की गोपियां बड़ा घूंघट खींचे, लठमार होरी में देखते हो कितना लंबा घूंघट होती है। इनका पहनाव एक पुराना पहनाव है, अब तो पहनाव बिगड़ गया है लोगों का, नहीं तो ब्रज का विशुद्ध पहनाव जो ठाकुर जी को प्रिय लगता है वो पोशाक घाघरा है, ओढ़ना है, कंचुकी है।
सिर से लगाकर नीचे तक का पूरा श्रृंगार है। सिर में चंद्रिका रहती है जिसके ऊपर से घूंघट आता है तो यहाँ थोड़ा उठा रहता है और वो मुंह से सट करके परेशान नहीं करता है। गोपियों को देखना होता है तो आंचल को दो उंगलियों के सहारे छिद्र बनाकर एक आंख से तब देख लेती हैं कौन किधर देखना। वो तो दूसरों को देखती है बाकी ऐसा करने से उनकी ही शोभा दर्शन करने लायक हो जाती है, बहुत अच्छी लगती है। तो ऐसी ही गोपियों गोपी का श्रृंगार किया है, घेरदार घाघरा है, लहंगा है, फरिया है, चुनरी है, गोटादार हीरों का काम है और घूंघट खींच दिया है ऐसे रखना और महाराज गले में हार हमेल हंसुली चंद्रहार मोहन माला मणिमाला मटर माला हीरों की पचलड़ी सोने की सतलड़ी कमर में सात लड़की सुंदर चौड़ी करधनी चाबियों का गुच्छा हाथ में भुजाओं में भुजबंद बिजायत बलय गोखरू चूड़ियां बाला हस्तकोल अंगूठियां और चरणों में नूपुर और बिछिया अंग प्रत्यंग का श्रृंगार करके सीसा दिखाया है। पार्वती जी ने कहा ये कौन आई है? महादेव जी ने जब बोले तो उन्हीं का मुंह हिलता डोला, अरे मैं हूं ये। हाँ महाराज, अब आप गोपी बन गए। महादेव जी प्रसन्न भए हैं, प्रसन्नता से जो चेहरा खिला है तो उस समय श्रीमुख भगवान का देखने लायक हो गया। अब एक तो यूं ही चंद्रमा के समान सुंदर गौर वर्ण है उनका और जब प्रसन्न हो गए श्याम मिलन की आकांक्षा से तो श्रीमुख का सौंदर्य आया। पार्वती जी ने कहा बलियारे महाराज नजरने लगे आपको, ऐसा जब कहा है तो महादेव जी के कपोल पर शर्म के कारण लालिमा आ गई है और दृष्टि नीचे कर लिए हैं। और तब कहा देवी अब तो मैं रास में चल सकता हूं ना। पार्वती जी ने सिर पीटा, सब मेहनत खराब हो गई, गुड़ गोबर कर दिया आपने। अरे क्या हो गया, अभी मैं नहीं चल सकता? अरे यार साधु महात्मा ठहरे, राख लगाने वाले काम करने वाले उनको तुमने लहंगा फरिया और ये पटिया वटिया करके जमाना बना दिया, इतनी मेहनत करने के बाद भी नहीं चल सकता। बोले कि हाँ आप तो चल ही नहीं सकते, हमारा भी समय बर्बाद भया, मेहनत बेकार गई। क्या हो गया? बोले हो क्या गया, असली और नकली में अंतर होता है। अरे अब क्या अंतर हुआ, हम ही अपना चेहरा देखकर नहीं पहचान सके कि हम छोरा है कि छोरी? बोले महाराज पहचान तो आपको कोई नहीं सकेगा, श्रृंगार हमने ऐसा किया है, पर अब आपकी बोली को क्या करें, मैं चल सकता हूं जा सकता।